नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के एमडी अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। आज हमने देखा बहुत छोटे दायरे का ट्रेड देखने को मिला है, फिर चाहे वो बुलियन हो, मेटल्स हो, या फॉर दैट मैटर इवन कच्चा तेल, जहां पर ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ दिखा है। सबसे पहले बताइए, सोने चांदी में क्या रणनीति अपनाई जाए? वेरी गुड आफ्टरनून नेहा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें सोने चांदी में, तो पिछले हफ्ते हमने कंटिन्यू गिरावट आती देखी, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 103.50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये हफ्ते के भी जो डेटा पॉइंट है वो डॉलर को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि और बड़ी गिरावट हम देखने मिल सकती है। जो डॉलर टर्म में मुझे लगता है कि 1856 के नीचे अगर ये भी कंटिन्यू रहता है तो 1820-22 तक के भी लेवल देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में गिरावट है जिसका थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिल रहा है, पर मुझे लगता है 56850 या करंट लेवल से भी अगर सोना बेचा जाए तो 56400 से 56200 तक का लेवल गोल्ड में, वही अगर चांदी की बात करें तो 65000 के टारगेट के लिए चांदी भी बेचनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी में गिरावट कंटिन्यू रहेगी, छोटी अवधि में सोने चांदी में प्रेशर रहेगा, लेकिन मेटल्स में क्या किया जाए? ये मैं इस पर्सपेक्टिव से भी पूछ रही हूं क्योंकि जिंक का, एल्युमिनियम का जो हाल फिलहाल का डेटा निकलकर आया है चाइनीज वेयर हाउसेस का और एलमी पर भी, इसमें कुछ वृद्धि देखने को मिली और अच्छी खासी बढ़त आई है इन्वेंट्री डेटा में, तो क्या ये कारण है जिस वजह से हम मेटल्स में प्रेशर देख रहे हैं, या फिर डॉलर इंडेक्स के अलावा भी कोई कारण है कि इतनी सुस्ती दिख रही है? ठीक है, डॉलर इंडेक्स का तो कारण जरूर है, और खास करके जिंक की बात करें तो 300 से हमने एक काफी बड़ा फॉल, लगभग 30 रुपए से ज्यादा की गिरावट देख ली है, जिसमें डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पहले जो हमने देखा था कि इन्वेंट्रीज को लेके कंसर्न था, प्रोडक्शन को लेके कंसर्न था, वो काफी हद तक कूल ऑफ हुआ है। नो डाउट चाइना ओपन अप होने के बाद डिमांड आगे कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, बट जो हाइप बना था पिछले महीने डेढ़ महीने में चाइनीज न्यू ईयर हॉलीडे से पहले, वो अब फीस आउट होते हुए दिखाई दे रही। तो टाइमिंग मुझे लगता है कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों में ही एक गिरावट का रुख रहेगा, जहां पे कॉपर 760 तक का लेवल लग रहा है, एल्यूमिनियम 212 का लेवल तोड़ के फिर से 208 तक जा सकता है, और वहीं जिंक की बात करें तो जिंक में हमने 30 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी और इस वक्त भी अगर 270 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो हमें लगता है 262-264 तक की रेंज दिखा सकता है। तो ओवरऑल बेस मेटल में ये हफ्ते में गिरावट कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, कच्चा तेल हमने देखा कि कई महीनों के बाद हमने इतना बेहतरीन वीकली प्रदर्शन आते हुए देखा, ऑलमोस्ट तकरीबन 8-8.5% दोनों बेंचमार्क्स ने यहाँ पर वीकली रिटर्न कमाकर दिए हैं, घरेलू बाजार में अच्छी स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों से प्रेशर बना, तो कच्चे तेल को डर किस बात का? ये क्या एक रिएक्शन इस बात का था कि बाकी सारी कमोडिटीज टूटी हैं तो चलो हम भी यहाँ पर फिसल रहे हैं, या फिर वाकई में अभी डिमांड को लेकर कंसर्न्स फिर भी बने हुए हैं? देखिए, डिमांड को लेके कंसर्न तो पहले भी बने हुए थे स्लो डाउन को लेकर, बट चाइना जिस ढंग से एक मेजर रोल प्ले करेगा वो ऑफसेट कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते की तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग है और बाकी कमोडिटीज में भी जो गिरावट है वो डॉलर इंडेक्स की वजह से है। तो आई थिंक ब्रेंट की अगर बात करें थोड़ा पुल बैक है, 84-84.50 तक का पुल बैक दिखा सकता है, NYMEX है 77 डॉलर के आसपास। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 64-63-80 तक का एक स्मॉल पुल बैक रहेगा, बट इन ऑल ये हफ्ते के बाद हमें अच्छी तेजी दिखाई दे रही है, जब 6700 फिर से दिखा दे, जिस ढंग से रशिया ने 5 मिलियन बैरल का कट ऑफ बताया है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो आगे जाके प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो बिल्कुल 2-3 दिन के सेशन के लिए मुझे लगता है कि कच्चे तेल में बिकवाली करनी चाहिए, जो नीचे में 6380-6400 तक का लेवल दिखा दे, वहां से फिर वापस बाइंग उभर कर आती हुई दिखाई देगी। ओके, अब बात जरा नेचुरल गैस की करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कुछ ही हफ्तों में ऑलमोस्ट 65% कीमतें वाइप आउट हो चुकी, लेकिन 2 महीने बाद हमने यहां पर वीकली गेन्स भी बनते हुए देखे हैं। क्या माना जाए, बॉटम बन गया नेचुरल गैस में, अब खरीदारी की जा सकती है? टेक्निकली यस, बिकॉज टेक्निकली पिछले हफ्ते हमने देखा प्राइजेस 200 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है, और कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दिया है, बट फंडामेंटल साइड देखिए तो अभी भी डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं है। नो डाउट इस बार ये उम्मीद है कि फ्रीपोर्ट जो यूनिट है वो ओपन अप हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड इंप्रूवमेंट आएगी, बट वेदर में कोई चेंजेस नहीं है। तो टेक्निकल लिहाज से मुझे लगता है कि 220-22 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट रहेगा, अगर वीकली बेस पे 220 का लेवल क्रॉस होकर होल्ड कर जाता है देन डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग हिट कर सकती है 256 के लिए, पर टाइमिंग आप 200 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं 220 से 224 के टारगेट के लिए।
ओके अब थोड़ा सा एग्री कमोडिटीज की तरफ बढ़ते हैं। कॉटन ये आज का एक बड़ा डेवलपमेंट साबित हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट 5 महीने के अंतराल के बाद हमने MCX पर कॉटन वायदा को रिज्यूम होते हुए देखा है और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स की भी सामने घोषणा हो चुकी है, कुछ बदलाव भी हुए हैं। आपका एक पर्सपेक्टिव मैं जानना चाह रही थी कि अब M6 कॉटन को लेके किस प्रकार का बन रहा है, गिवन द फैक्ट कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सुस्त सा दायरे सा का ट्रेड है, 85-84 सेंट के आसपास ही घूम रहा है। डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा कि यूएसडी की रिपोर्ट के बाद भी मार्केट में कोई बड़ा हलचल नहीं आया, बिकॉज इनमेंट अगर हम प्रोडक्शन और सप्लाई और डिमांड देखें वो काफी सुस्त दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक अनलेस एंड अंटिल 90 सेंट का लेवल ब्रीच नहीं होता है टिल देन मार्केट रेंज मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रहा है अराइवल, बिकॉज अगर हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी के अराइवल देखें तो लास्ट ईयर के या 2 साल के कंपैरिजन में देखें तो काफी लो रही है, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं फार्मर लोअर लेवल पे माल बेचना नहीं चाहते सिंपल। और साथ में हमने CAI के भी अपडेट देखे जहाँ पे रिविजन आया है 330.5 लाख बेल्स का, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को एक थोड़ा बहुत सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। टाइमिंग मार्केट में कोई हरकत नहीं थी बिकॉज फ्यूचर्स भी अवेलेबल नहीं थे, बट आज से M6 पे कॉटन कैंडी अवेलेबल है तो हो सकता है यहाँ से एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे, बट ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं देख रहे हम लोग। 60,000 तक का एक बेस कॉटन कैंडी पे M6 पे आता हुआ दिखाई देगा, वहां से स्लोली एंड स्टेडली वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी लौटते हुए दिखाई देगी डिमांड को देखते हुए। ओके हैविंग सेड सो आज NCDX पे हमने कुछ चुनिंदा एग्री कमोडिटीज को स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करते हुए देखा है और कपास खली उनमें से एक है, कोकोड ग्वार ये सब कुछ हमने देखा कॉटन सीड के यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ दिखी है, तो एग्री स्पेस में आज कोई कमाई का मौका आपकी तरफ से? डेफिनेटली एग्री में बिटन डाउन सबसे ज्यादा हल्दी हो चुकी है बिकॉज नो डाउट कैरी ओवर स्टॉक अच्छा है जिसकी वजह से काफी बड़ी गिरावट आ चुकी थी, बट अब कहीं ना कहीं लोअर लेवल से हल्दी में भी एक बाइंग आती हुई दिखाई दे रही। बट कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो हमने 3200 का लेवल छूने के बाद प्राइसेस में एक काफी बड़ी गिरावट देखी जो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। खल की एबिलिटी इस बार बाकी क्रॉप से अच्छी है जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्रॉडनरी बड़ी तेजी तो नहीं है, बट पिछले हफ्ते में जो बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो 2700-2720 के करीब लेके चलिए, 2780 से 2820 तक के भी लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। इंडेक्स पे और रुपए की चाल पे अब आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि रुपया भी हम देख रहे हैं कि एक दायरे में फंस कर रह गया है, नीचे हमने इसको 83 के नीचे आता हुआ देखा, कुछ स्ट्रेंथ भी आई थी जो 82 के नीचे गया लेकिन फिर रिज्यूम किया और अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट वीकेस्ट नोट पर ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉलर इंडेक्स 103.50 के पार ही ट्रेड करता हुआ दिखा है, इन दोनों में अब आपको किस प्रकार की दिशा दिख रही है? देखिए डॉलर इंडेक्स में हमने लगभग 113-114 के लेवल से मार्केट में करेक्ट होते हुए देखा जो 150 के आसपास का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हफ्ते के डेटा पॉइंट से भी दिखता है कि डॉलर में कंटिन्यू तेजी रहेगी, जो हायर साइड में मुझे लगता है 104.80 से 105 तक का लेवल डॉलर इंडेक्स दिखा सकता है। सेइंग दिस डेफिनेटली रुपए में भी इसकी गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी, बट इससे पहले भी हमने देखा कि 83 के नियर RBI काफी एक्टिव रहती है और यहाँ पे हम डॉलर में बिकवाली आते हुए देख सकें, तो आई थिंक ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। Unless and until 82.40 का लेवल ब्रीच नहीं करता, high probability कि हम 83-83.10 तक का लेवल एक बार देख सकते हैं, but high level पे prices sustain नहीं करेंगे, 82.40 could be the base price के यहाँ पे हमें एक वापस support आता हुआ दिखाई दे, तो ये अवधि में मुझे लगता है 83 तक का लेवल जाने के बाद वापस रुपए में स्ट्रेंथ लौटते हुए दिखाई देनी चाहिए। ओके तो एक बार के लिए ऑल और आप कह सकते हैं कि 30 पैसे तक की कमजोरी दिखेगी। अच्छा कमिंग बैक टू एग्री स्पेस, यहाँ पर हमने देखा है जीरा ये एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसने कुछ हफ्तों पहले तक बड़ी धमाकेदार स्ट्रेंथ दिखाई और अब वो पूरी तरह से फिजल आउट होती दिख रही है, आज ही भारी भरकम गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, ऑलमोस्ट 4% टूटा है, तो जरा बताइए कि अब यहाँ से अगर किसी को रणनीति अपनानी है, हमारे जो व्यूअर्स इस समय आपको देख रहे हैं जीरे पर क्या व्यू बन रहा है? यानी जैसे जीरे के फंडामेंटल की बात करें या बैलेंस शीट की बात करें तो ये साल पूरा टाइट ही रहना है। हमने रैली अगर हम शॉर्ट टर्म की अगर 2-3 महीने की रैली की बात करें तो लगभग 250 रुपए से हमने करीबन 370 तक का रैली अब देखा है। मार्च महीने से हम देखते हैं कि अराइवल्स आना चालू हो जाएंगे जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा बहुत गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो चुका है, बिकॉज ऊंचे भाव पे एक्सपोर्ट डिमांड भी नहीं थी, तो आई थिंक अराइवल जैसे जैसे आगे पिकअप करेगा तो मुझे लगता है कि प्राइसेस 30,000 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है, बट इससे ज्यादा कोई बड़ी गिरावट आते हुए नहीं दिखाई देगी मार्केट में, बिकॉज इस बार भी बैलेंस शीट काफी टाइट है और ग्लोबल मार्केट में खाली इंडिया ही है जो सप्लाई करेगा, तो हो सकता है अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर एक बार 30,000-30,500 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा, वहां से फिर एक अच्छी बाइंग वापस लौटते हुए दिखेगी।
ओके तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 1,500 का अगर करेक्शन आ गया उसके बाद यहाँ बॉटम बनता हुआ दिखेगा एंड वंस अगेन अपसाइड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर जीरे में शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच केडिया जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड अक्रॉस द बोर्ड सारी कमोडिटीज पर करेंसी पर अपनी राय दर्शकों के सामने रखने के लिए।